लालू जी बैठे बैठे सुबह से शाम होने को जा रही है, लेकिन एक आदमी भी 1 किलो आलू लेने के लिए नहीं आया है। और वो देखो मोदी जी के पास भीड़ जमा है सब्जी लेने वालों की। सही कह रहे हो अखिलेश, सुबह पता नहीं किसका मुंह देखकर मैं ये दुकान पर बैठा था, जरा सी भी कोई प्याज या मिर्ची लेने के लिए नहीं आया है। और उधर मोदी जी के पास देखो ग्राहक पर ग्राहक सब्जी लेने के लिए आ रहे हैं। अब देखो राहुल और योगी जी आ गए सब्जी लेने के लिए। आओ योगी जी, राहुल आओ आओ पास में आओ, क्या चीज चाहिए बताओ? मिर्ची चाहिए, हरी मटर चाहिए, पत्ता गोभी चाहिए तुम्हें या गोभी चाहिए, बोलो क्या लोगे? मोदी जी हरी मटर क्या रेट बेच रहे हो? हरी मटर का रेट बताओ, घर जाकर मटर पुलाव बनाऊंगा, 1 किलो हरी मटर खरीदना है, लेकिन रेट सही बताओ पहले। राहुल कैसी बात कर रहे हो, तुम हमेशा सब्जी लेने के लिए मेरे ही पास आती हो, कभी तुमसे ज्यादा पैसे लेता हूँ मैं। 40 रुपए किलो लगेगी हरी मटर, ले लो 1 किलो मटर दे दूँ। 25 रुपए किलो हरी मटर, 25 रुपए किलो हरी मटर ले लो लुट गई। अरे मोदी जी उधर देखो, लालू जी तो 25 रुपए किलो हरी मटर बेच रहे हैं और आप 40 रुपए किलो का रेट बता रहे हो। ऐसा है राहुल, वो लालू जी और अखिलेश के पास कोई ग्राहक सब्जी खरीदने के लिए आ ही नहीं रहा है, क्योंकि ये पुरानी सड़ी हुई सब्जी बेचती है, जो एक बार ग्राहक ले जाता है दोबारा लेने के लिए आता ही नहीं है। तुम हरी मटर इनके पास से ले जाओ, जाओ लेने को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज तुम हरी मटर लालू जी से ले जाओगे, कल को मेरे ही पास लेने के लिए आओगे। राहुल इन मोदी जी की बातों में मत आना, मेरी मटर में जरा सी भी कमी हो तो घर से वापस ले आना। इन्होंने अभी नई नई सब्जी की दुकान खोली है, हम तो हमेशा से सब्जी बेचते आ रहे हैं, और जब नई दुकान किसी की खुलती है तो ग्राहक सबसे ज्यादा उसी के पास ही आता है। तुम मेरी मटर ले लो, तुम्हें 20 रुपए किलो लगा दूंगा। अरे राहुल लालू जी के पास चलते हैं, आओ लालू जी के पास चलते हैं। अब उन्होंने मटर का रेट 20 रुपए किलो कर दिया, और लालू जी कह तो रहे हैं अगर उनकी मटर खराब होगी तो घर से वापस इन्हीं की दुकान पे ले आएंगे, ये वापस कर लेंगे मटर को। लालू जी ये बहुत गलत कर रहे हो आप, आपकी सब्जी बिक नहीं रही है, आप आधे आधे रेट में सब्जी बेच रहे हो। मोदी जी लालू जी कैसे भी सब्जी बेच रहे हैं, आधे रेट में तो बेच रहे हैं, और ग्राहक को तो जहाँ सब्जी सस्ती मिलेगी वहीं से सब्जी लेगा, इसीलिए मैं भी लालू जी के पास से सब्जी लेने जा रहा हूँ। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सस्ता लगा दिया, आ जाओ लेने के लिए, आ जाओ लेने के लिए, लाल लाल टमाटर सस्ता लगा दिया, 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। अरे बहन मायावती जी, 200 रुपए किलो टमाटर बेच रही हो और ये कह रही हो कि सस्ता लगा दिया, ये कैसा सस्ता टमाटर है? इतना महंगा टमाटर तो आज तक नहीं देखा मैंने। अभी 1 हफ्ता पहले तो मैं सब्जी मंडी से टमाटर 20 रुपए किलो लाया था, सीधे 200 रुपए किलो बिकने लगा टमाटर। मोदी जी सस्ता इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये कल को टमाटर 400 रुपए किलो बिकने वाला है, आज लेना है ले लो 200 रुपए किलो में, नहीं तो ये आगे महंगा बिकेगा। देखो सोनिया जी ने और ममता दीदी ने दो 200 ग्राम टमाटर ले लिए। बहन मायावती जी 100 ग्राम टमाटर मुझे दे दो, क्या करूँ 100 ही ग्राम टमाटर से काम चला लूंगा। अरे टमाटर का रेट तो पेट्रोल से भी दुगना हो गया। लालू जी 100 ग्राम टमाटर लेके भी क्या करोगे, 100 ग्राम टमाटर में तो मुश्किल से तुम्हें 1 ही टमाटर मिल पाएगा। सोनिया जी तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने 2-3 किलो टमाटर ले लिए हो। बहन मायावती जी बता रही है कि तुमने और ममता दीदी ने भी तो 200-200 ग्राम ही टमाटर लिए हैं। लालू जी हमने 200-200 ग्राम टमाटर ले तो लिए, तुम तो 100 ही ग्राम टमाटर मांग रहे हो, 100 ग्राम टमाटर भी क्यों लोगे? लो एक मैं फ्री में दे देती हूँ, ले जाओ जाओ। अरे ममता दीदी, सोनिया जी, लालू जी क्या आपस में लगा रखा है, 100 ग्राम 200 ग्राम, इतनी महंगाई में कोई कितने भी टमाटर ले, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मायावती जी मुझे 50 ग्राम टमाटर दे दो। मोदी जी 50 ग्राम टमाटर में तो तुम्हें आधा टमाटर मिलेगा। तो आधा ही दे दो, एक टाइम की सब्जी जाकर बना लूंगा। अरे मोदी जी आधा कहाँ से दे दूँ, मैं कोई टमाटर को काट के थोड़ी बेच रही हूँ। अरे लालू जी तो कम से कम 100 ग्राम टमाटर मांग रहे थे, तुम तो 85 ग्राम टमाटर मांगने लगे। बहन मायावती जी आपको क्या लगता है, इतनी महंगाई में क्या तुमसे 2 किलो टमाटर ले लूँ मैं? 2 किलो टमाटर 400 रुपए के हुए और मैं दिन भर में मुश्किल से 100-150 रुपए कमाता हूँ। अरे 50 ग्राम टमाटर दे दो मुझे, 10 का नोट मेरे पास पड़ा है, ले लो। पहले हम 10 रुपए में आधा किलो टमाटर ले लिया करते थे और कभी कभी तो 10 रुपए में 1 किलो टमाटर भी मिला है। और अगर तुम्हें नहीं देना 50 ग्राम टमाटर मत दो, डॉक्टर ने हमें थोड़ी बताया नहीं खाएंगे कुछ दिन टमाटर जब तक सस्ता नहीं हो जाता। और मोदी जी सस्ता नहीं हुआ टमाटर फिर क्या करोगे, फिर खाओगे ही नहीं। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
राहुल लालू जी बहुत वजन है सर पे, इस बालू में, इस रेते में बहुत वजन है। ऐसा लग रहा है सर पे किसी ने पहाड़ रख दिया हो। ये नदी से बालू रेता निकालने का काम भी बड़ा मुश्किल काम है। सोचता हूँ मैं इस काम को छोड़ दूँ राहुल, लेकिन क्या करा जाए? अगर इस काम को छोड़ दिया जाएगा फिर आगे कोई धंधा पानी दूसरा नहीं है। मोदी जी दूसरा धंधा पानी है क्यों नहीं? आप दूसरा धंधा पानी करना नहीं चाहते हो? कई धंधे हैं। इस टाइम देखो आम का सीजन चल रहा है, मैंने आपसे कई बार कहा है आम का कारोबार कर लेते हैं, इस दिहाड़ी मजदूरी से भी बच जाएंगे। राहुल आम का तो कारोबार कर लो, धंधा कर लो आम का, लेकिन आम का धंधा करने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए पास में। कोई पैसा भी तो नहीं है पास में, इसीलिए ये दिहाड़ी मजदूरी ठीक है अपने लिए तो। लेकिन मोदी जी एक बात कहूँ, अपना लोग जो नदी से ये बालू रेता निकाल कर आए हैं, ये टोकरी में रेता बालू कम भरा करो, बहुत वजन है इस रेते में। बिल्कुल आप सही कह रहे थे। लेकिन लालू जी एक बात बताओ, अगर अपना कम बालू निकाल कर ले जाएंगे इस नदी में से, कम रेता ले जाएंगे, तो पैसे भी तो अपनों को कम ही मिलेंगे, क्योंकि अपना लोगों को किलो के हिसाब से पैसा मिलता है। जितने किलो बालू या रेता इस नदी से निकालते हैं उतना ही पैसा मिलता है अपनों को, उतनी दिहाड़ी मिलती है। लेकिन मोदी जी मैं भी आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, राहुल सही कह रहा है, ये दिहाड़ी मजदूरी अपना लोग करना बंद कर देते हैं, बहुत मेहनत से काम करना पड़ता है यहाँ पर, कोई दूसरा ही धंधा देखते हैं। आम को छोड़कर चलो तरबूज का धंधा देखते हैं, तरबूज बेचते हैं। अखिलेश तुम बेबालतू में बात को जलेबी की तरह घुमा रहे हो। अरे धंधा कोई भी करो, चाहे आम का धंधा करो या तरबूज का, पैसे की तो जरूरत पड़ेगी धंधा करने के लिए, और अपने पास पैसा है नहीं, क्योंकि अपना लोग तो दिहाड़ी मजदूर हैं, जितना दिन भर में कमा लेते हैं उतना शाम को खर्च कर लेते हैं। वैसे मोदी जी एक तरीका है अपने पास, अपना लोग इस दिहाड़ी मजदूरी से बच सकते हैं। कुछ दिन अपना लोग आधा खर्च करते हैं, आधी बचत करते हैं, और ऐसी करते करते कुछ दिन में अपने पास पैसा जमा हो जाएगा, फिर अपना लोग मिलकर कोई व्यापार कर लेंगे, इस दिहाड़ी मजदूरी से बच जाएंगे। योगी जी ये ख्याली पुलाव पकाना बहुत आसान है, इस महंगाई में बचत करके देखो, दिन भर में 100 रुपए की तो दिहाड़ी पड़ती है, 100 रुपए तो खर्च ही हो जाते हैं, तो बचत कहाँ से होगी? इसीलिए यही दिहाड़ी मजदूरी करते रहो, और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।